ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग रहती है। हालांकि थोड़ा मेरा प्रोग्राम बहुत टाइट था, फिर भी मैंने कहा फरीदाबाद गए हुए बहुत समय हो गया, तो मेरी मासिक जो ग्रीवेंस कमेटी होनी चाहिए डिवीजन कमिश्नर के जिम्मे मैंने लगाया हुआ है, फिर भी आज आकर के और केवल इसी कार्यक्रम के लिए मैं आया हूँ। कुल 14 ग्रीवेंसेज आज की मीटिंग में थी, जिसमें से 2 ग्रीवेंसेज तो कुछ विषय अभी डिसाइड नहीं हो पाए, उसको अगली मीटिंग के लिए डेफर किया है, पोस्टपोन किया उसको, और बाकी 12 में जो निर्णय हमने दे दिए उसके अंदर एक जगह तो नवादा माजरी जो सेक्टर 49 उस वहाँ पर एसटीपी जो है वो पास किया है, एसटीपी लगाया जाएगा ताकि वहाँ की जो समस्या है उसका परमानेंट हल वो निकाला जा सके। एक स्कूल की जो कंप्लेंट आई थी जिसके अंदर किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए अभिभावक जो गए तो उन्होंने फीस ले ली और बाद में उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने फीस देने से मना किया, लेकिन हमने कहा या तो फीस वापस करें नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे FIR। कोई बच्चे का एडमिशन या तो करने के बाद कोई बाहर निकालता तो फीस रख सकते हैं, लेकिन अगर एडमिशन हुआ ही नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट में है, तो उसकी फीस रखने का उनको अधिकार नहीं है, इसलिए वापस करने के लिए निर्देश दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो CA विंडो में हैबिचुअल होकर के और बहुत संख्या में और CA विंडो लगाते हैं, मुझे लगता है कि वो CA विंडो का एक दुरुपयोग करने के लिए और बल्क में लगाते हैं ताकि अधिकारी जो है वो परेशान रहें, ऐसा एक ग्रुप ध्यान में आया है। हमने कहा कि पिछले 6 महीने में उनकी जितनी कंप्लेंट्स आई है, अगर किसी एक फ़ोन नंबर से 20 से ज़्यादा कंप्लेंट आती हैं तो उसको हम डिबार कर देते हैं, उसको चेक कर देते हैं कि उस जगह से वो व्यक्ति भी और वो फ़ोन भी दोनों को हम डिबार कर देते हैं। तो ये हमने आज एक केस में उनको बताया है। इसी प्रकार एक पड़ोसी के मकान के कारण से दूसरे पड़ोसी के मकान में नुकसान हुआ, त्रेड़ आई, तो 15,35,000 रुपये कमेटी ने जो उसका अनुमान बताया कि इतना पैसा उसका रिपेयर में खर्च आएगा, और वो भी उसको आदेश दिया कि 15,35,000 रुपया तो वो जमा कराए, नहीं तो उनको मकान को जो है वो वैसे तो रिज्यूम कर लिया गया है लेकिन उस पर कार्रवाई बाद में करेंगे, अगर पैसा देने से मना किया उन्होंने तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसके मकान को रिज्यूम करके और उसमें से रिकवर किया जाएगा। कोई एक प्लॉट HSVP ने अलॉट किया था तो 209 वर्ग गज का वो प्लॉट था, लेकिन आज मौके पर ये सामान्यतः होता है क्योंकि बड़े जब सेक्टर होते हैं उसमें आखिरी प्लॉट जो बचते हैं या तो साइज से ज़्यादा बच जाता है या साइज से कम बचता है, तो एक प्लॉट था वो साइज से काफ़ी कम हो गया, 209 मीटर की बजाय वो 135 मीटर का ही बचा। अब उसको अल्टरनेटिव प्लॉट देने की स्कीम होती है, वो नहीं दिया जा रहा था, उसमें पॉलिसी में कुछ कमियां थी, मैंने बात करके अधिकारियों से कहा कि नई पॉलिसी बना के ऐसे सब लोगों को जिनका साइज के कारण से प्लॉट रिप्लेस करना यानी उसको सब्स्टिट्यूट प्लॉट देना है तो उसका तुरंत जो है सारे फैसले 100 से ऊपर फैसले यहाँ के हैं वो सारे एक साथ कर लिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि उसको जल्दी ही रिकमेंड करके यहाँ से उन्होंने भेज दिया है और जल्दी उसका सबका समाधान हो जाएगा। आज पटवारियों को और कितने पटवारी थे, 36 पटवारी 6 कानून को इनको टेबलेट वितरण किया गया ताकि गिरदावरी आदि जो है अभी तक वो जो मैनुअल करते थे अब टेबलेट में ही करेंगे ताकि सीधा ऑनलाइन गिरदावरी जो है ये करना उनके लिए आसान हो जाए। प्राइवेट स्कूलों में कुछ शिकायतें मिल रही थी, खास करके किताबों का और पैसा जो मनमाना वसूल करते थे और अपने ही परिसर में अपनी दुकानें खोलते थे। किताबें कुछ तो NCERT की लगती हैं, NCERT की तो लेते ही, लेकिन NCERT के अलावा भी कुछ किताबें थोपी जाती हैं। अब हमने उनको कहा है कि जो रेट्स हैं उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे कि इससे ज़्यादा यानी किताब के साइज़ के नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से और एक रेट तय करेंगे कि उसमें उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, वो उससे नीचे में कोई बेचना चाहे ठीक है, हमारे अपनी जो कॉस्ट आती है सरकारी उसमें थोड़ा बहुत अगर जोड़ना भी होगा तो प्रॉफिट का मानो 5-10% उनका जोड़ेंगे, लेकिन एक कैप लगा करके सबको सर्कुलर करेंगे ताकि रेट्स जो है वो मन माने वसूल ना कर सके। फीस के मामले में भी कुछ शिकायत स्कूल वालों की ओर से थी, उसका भी हम पॉलिसी बना करके कि फीस कितनी ले सकते हैं, जो फार्म नंबर 6 में भर के देते हैं वो कम से कम बच्चे का जो वो स्ट्रीम यानी 1ली से 5वीं या 6ठी से 8वीं अलग अलग स्ट्रीम के लिए एक ही समय जो फीस भर के देंगे उस बच्चे की उस समय तक तो वही लेनी है, नई स्ट्रीम में जाने के बाद बढ़ा सकते हैं, बच्चे को पढ़ाना होगा तो नई उसकी घोषित जो फीस है उसके हिसाब से एडमिशन कराएंगे, नहीं कराना तो नहीं कराएंगे। इस हिसाब से एक महिला का वो शिकायत थी कि ऑक्शन में प्लॉट बेचा गया, उसको प्लॉट नहीं मकान है, 123 गज का था उसको 117 गज मिला है,
लेकिन दोनों तरफ की वर्षन अलग अलग होने के नाते से एसडीएम की देख रेख में कमेटी बनाई है, उनका फैसला करेंगे कि उसमें क्या सत्यता है, उस हिसाब से फैसला कर दें। बीपीटीपी का एक मसला था, तो बीपीटीपी के मसले में भी इसी प्रकार एक महिला को प्लॉट का अलॉटमेंट 2011 में उसने बुक कराया था, लेकिन उसकी अलॉटमेंट नहीं हुई थी और अभी उस टावर की ओसी उसको नहीं मिली है, उसकी पूरी जांच एसटीपी जो हमारे जो टाउन प्लानर एसटीपी वो उसकी पूरी जांच करेंगे और जांच करके अगर वो उससे समाधान उनका हो जाता ठीक है, नहीं तो फिर बीपीटीपी के खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं ये डिपार्टमेंट को कहा है, वो डिपार्टमेंट उसकी जो है कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार के इतने सब विषय आज की इस बैठक में आए हैं और ठीक अच्छे माहौल में बैठक साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बन गया है हरियाणा में, भी साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बन गया है, कल नुहू में भी काफ़ी बड़ी रेड की गई थी, आगे कैसे देख रहे हैं? देखिए साइबर क्राइम के नाते से बुनहाना एक इलाका ऐसा है जैसे देश में एक स्थान है जामताड़ा, जामताड़ा इस काम में बड़ा प्रसिद्ध हो गया कि वहाँ साइबर क्राइम बहुत बढ़ता है। हमको नहीं पता था कि ये धीरे धीरे ऐसे इलाके में जहाँ कोई बहुत लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं फिर भी पुनहाना में एक जामताड़ा की तरह का एक शिकायत जब से मिलनी शुरू हुई हमने आदेश दिया कि इसका छापा लगाया जाए। 5,000 पुलिस के लोगों ने यानी एक साथ प्रदेश में ऐसे छापे लगाए जहाँ जहाँ ही हो सकता, बहुत सी इलीगल चीज़ें वहाँ से मिली हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ पैन कार्ड मिले हैं, कुछ ये जो मोबाइल मिले हैं और ये जो कार्ड होते हैं जो सिम कार्ड एटीएम कार्ड, तो इस प्रकार की चीज़ें जिसमें से फ्रॉड करते थे, तो ऐसे मुझे लगता है कि उस सारे में से कई जो ऐसे फ्रॉड हैं वो उनके किस्से जो खुलेंगे और एक उस इलाके पर पूरी ध्यान रखी जाएगी, लोग हमने गिरफ्तार भी किए हैं, तो एक ऑपरेशन ऐसा जो चलाया है और समय समय पर पुलिस को हम जब भी कोई ऐसी समस्या ध्यान में आती है तो एक एक समस्या को लेकर के उनको कहते हैं कि इसका छानबीन करें, उसके ऊपर छापे लगाए, तो एक बड़ा अभियान अभी परसों रात को लिया गया। ठीक बात है, क्योंकि कुछ कठिनाइयां जैसे मैंने पिछली बार बताया था रिजर्वेशन के विषय को लेकर के आई थी, अब लास्ट जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बना है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस हिसाब से अब उसकी रिजर्वेशन आदि वार्डों की वो होनी है और मुझे लगता है इस महीने के अंदर कभी भी इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। प्रवास तो यहाँ आया हूँ, ये भी प्रवास है, रेवाड़ी जा रहा हूँ वो भी प्रवास है। जनसंवाद के जो कार्यक्रम हैं अभी 1-2-3 दिन का मेरा कुरुक्षेत्र जिले में है और फिर उसके बाद 15-16-17 सिरसा जिले में है, अलग अलग कोनों के अलग अलग जिलों में महीने में 2 या 3 जिले ऐसे में कर रहा हूँ। देखिए क्योंकि सारा विषय दिल्ली केंद्रित है, केंद्र सरकार के लोग उसको ध्यान रखे हुए हैं, हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो भी सब उस पर ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है, इसलिए अल्टीमेटली मुझे लगता है कोई सोल्यूशन इसका ठीक निकलेगा। सर जो सीबीएसई स्कूल्स है जिला शिक्षा विभाग की टीम में शिकायत मिलने पर जब जाती है वहाँ पर तो वो कहते हैं हरियाणा सरकार का और जिला शिक्षा विभाग का कोई राइट नहीं है कि वो वहाँ पर कोई किसी तरह की जांच करें। ऐसा नहीं है, जो शिकायत किसी सिटीजन की होती है जेन्युइन शिकायत है तो हर प्रकार के चीज़ें उसका जो हल करना है उस जेन्युइन शिकायत का वो हमारा अधिकार है, पूरा हम करेंगे। कहीं भी अनैतिक तरीके से कोई बात होगी उसको चेक करने का अधिकार पूरा है, उनकी नियमावली अपनी है, नियमावली के हिसाब से अगर वो चलते हैं तो हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, नियमों को तोड़ने का काम कोई भी करेगा उसको हम चेक करेंगे। अभी 2024 आने दो, अभी तो 23 ही है। कहाँ कोई शिकायत हमें दिलवा दीजिए और हम उस पर एक्शन करेंगे। सर अधिकारियों की बैठक में क्या कुछ खास चर्चा हुई, फरीदाबाद का विकास कैसे गति लेगा? अभी मैंने बताया, वही तो बताया था। सीएम साहब नीचे बैठक हुई है सर। चलिए मनोहर सरकार ने अच्छी नीयत के साथ फरीदाबाद का चयन किया था स्मार्ट सिटी बनाने के, लगातार अच्छी नीयत के साथ पैसे भी आ रहे हैं, करोड़ों की लागत पर विकास पे लगाए भी जा रहे हैं, फरीदाबाद शहर विश्व के 4th नंबर पर आया प्रदूषण के मामले, इसको लेकर क्या कहेंगे, किसकी कमी मांगते हैं? देखिए ये प्रदूषण ऐसा विषय नहीं है कि कोई एक जगह से शुरू होता है एक ही दिन में ख़त्म होता है, ये एक प्रोसेस ऐसी है कि जिसको कंट्रोल करना हर एक शहर का काम है, हर जगह इसको कंट्रोल किया जाएगा और इस सारे विषय को लेकर के ये जो NCR एरिया है इसकी समस्या स्वाभाविक है, आबादी ज़्यादा होने के कारण से, चाहे वो दिल्ली है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा है, गाज़ियाबाद है, सोनीपत है,
इस पूरे एरिया में स्पेशल प्लान जो बैठ करके एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में बनती हैं, जो प्लान वहाँ बनती है उसके ऊपर हम पूरा काम करते हैं। थैंक यू।